हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रसाद क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं पर्सनालिटी थ्री डे का क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों इसके पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, वहाँ पर सारे पर्सनालिटी के सोल्यूशन वीडियो आपको मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या रहा है, गुणनखंड ज्ञात करें। पहला दिया है कि 27 a³ + 108 x² y + 144 x² + 64 y³। डी नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, यही है, इसी टाइप का तीनों क्वेश्चन है, इसलिए हमने क्या किया आपको समझाने के लिए तीनों क्वेश्चन को एक साथ लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो 8a³ + bq + 12a² b + 6ab² ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, 8x³ + 27y³ + 36x² y + 54xy² ये तीनों जो क्वेश्चन है, यानी कि ए डी और एफ, ए एक ही सूत्र पे आपका तीनों क्वेश्चन बनेगा। मैं आपको एक ए नंबर क्वेश्चन बता देता हूँ, बाकी आप क्वेश्चन बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, आपका एक ही सूत्र पे बनेगा। पहला क्वेश्चन लिख देते हैं यहाँ पे, 27a³ + 108x² y + 144xy² + 64y³। देखिए दोस्तों, इसमें आपका क्या किया है कि ये बी क्यू जो होता है सूत्र में, वो क्या किया इसमें लास्ट में कर दिया और इसमें पहले कर दिया, और इसमें भी आपका बी क्यू क्या किया है पहले कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका आपका सूत्र होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र क्या होता है, a³ + 3ab + इसका स्क्वायर होता है, और 3ab² + bq। ठीक है दोस्तों, इसी सूत्र को ऐसे भी लिखा जाता है, a³ + bq + 3a² b + 3ab² इसी सूत्र को आप दो तरह से लिख सकते हैं। तो ये नीचे वाला आप ये जो है ये इस या और ये क्वेश्चन दिया इस टाइप पे, और ए नंबर जो ऊपर लिखा है हुआ इस टाइप का क्वेश्चन आपका दिया। ठीक है दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन बनेगा इस पे बनाएंगे, और ये आप इस पर बना लीजिएगा या इस पर भी बनाइएगा, तभी आपका बन जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है, ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको किया क्या है कि ये 27 a³ दिया, तो इसको a³ के रूप में लाएंगे तो 3 क्या हो जाएगा, a³, फिर प्लस सूत्र क्या होता है 3, उसके बाद a के जगह पर क्या है 3a है, और इसका क्या होगा स्क्वायर होगा। अब देखिए दोस्तों, इसको गुणा कीजिए, 3a² को गुणा कीजिएगा तो 9a² हो जाएगा, और 9 में 3 से फिर करेंगे तो 9 3 27, और 27 हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर अब क्या आप बचेगा 27 में, और 4 से गुणा करेंगे तो हमारा 108 आ जाएगा। तो हमारे यानी कि क्या हुआ, b का मान क्या है 4y है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 4y, देख लीजिए आगे यहाँ पर फिर प्लस 3, और ये जिस तरह इसी तरह रह जाएगा, और बी का मान क्या है 4y² फिर प्लस 4y³। 16 16 64 तीन हाली गुना करेंगे तो हो जाएगा, ये आपका बी हो गया, और ये क्या हो गया आपका ए हो गया। इसको फिर आप गुना कीजिएगा तो आपका इतना मान आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र क्या होता है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब तो रहे, तो ए का मान हमारा कितना है 3a³, और ये प्लस बी क्या हो जाएगा, ये पोस्ट में हो जाएगा, और इसको 4y³। इसको लिखते हैं क्या, 3a + 4y³ लिख सकते हैं आप। इसको आप क्या कीजिए, 3 बार लिख दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी तरह आपका क्वेश्चन डी भी बनेगा, एफ भी बनेगा, इसी तरह आपको करना कुछ नहीं, इसको क्या कीजिए 2x क्वेश्चन में करके पावर 3 कर दीजिएगा, इसको क्या कीजिएगा 3y क्वेश्चन में करके पावर 3, इसको आप तोड़िएगा तो 3 सूत्र का होता ही है, और a का मान हमारा 2x आया ही नहीं है, तो 2x क्वेश्चन में करके स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर 3y कर देंगे, उसी तरह आपका ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बी के तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका बी जो दिया है ये किस सूत्र का बनेगा वो आप पहले देख लीजिए। पहले क्वेश्चन दिया उसको आप क्या कीजिएगा, उतार दिया जाएगा, a³ + 27b² + 9ab × a + 3। दोस्तों एक होता है a³ + bq का सूत्र होता है, a³ + bq का सूत्र क्या होता है, ये q है ना, यहाँ पर q है, तो a³ + bq और उसका प्लस 3ab × a +
सूत्र होता है। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र पर आपका ये क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन भी ए है, तो ए का मान क्यू कर देंगे और 27 27 3 3 27 3 b का पावर 3 + 3। सूत्र का ए का मान ए है और बी का मान 3 b है, कोष्ठ में ए का मान ए है और बी का मान हमारा क्या दिया है, 3 b दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए का मान क्या दिया, ए दिया और बी का मान क्या दिया है, 3 b दिया है, और इसका ये क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम कितना बार लिख सकते हैं दोस्तों, तो 3 बार लिख सकते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन नंबर सी की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन जो सी और ई है, ये दोनों सवाल जो होगा एक टाइप के क्वेश्चन है, और ये जो है एक टाइप के सूत्र से बनेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र एक होता है, ए क्यू माइनस 3 ab या प्लस 3 ab क्या होता है, ये स्क्वायर होता है और ये स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद प्लस क्या होता है, माइनस बी क्यू होता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या होता है, एक सूत्र होता है, इसी सूत्र पे आपका क्या होगा, क्वेश्चन ये सी और डी बनेगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हम लोग सी की तरफ चलते हैं बनाने। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन सी उतार लीजिएगा, माइनस 35x² y प्लस 225xy का स्क्वायर और माइनस 25y² ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसको हम कर लेंगे क्या, ए क्यू के रूप में लाएंगे, तो ए क्यू के रूप में लाएंगे तो 3x³ हो जाएगा माइनस, इसके बाद सूत्र हमारा क्या होता है, 3 a का मान कितना है, 3x और इसका क्या होता है, स्क्वायर, और b का मान कितना हो जाएगा, 5y, क्या हो जाएगा, 5y। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सूत्र होता है प्लस 3 फिर a का मान और फिर b का स्क्वायर फिर माइनस b का क्यू। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे ये क्या है, a माइनस क्यू के सूत्र पर टूटा है। ठीक है, आप इसको गुणा कीजिएगा तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, हमारा a का मान कितना है, 3x है और b का मान क्या है, माइनस 5y, तो ये क्या है, a माइनस बी का होल क्यू हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 बार लिख देंगे, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप क्या कीजिएगा, ई नंबर क्वेश्चन बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, ए है और ये आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर 3 का क्यूब कर दीजिएगा, ये आपका 3 का क्यूब हो जाएगा और ये माइनस क्या होगा, 5a का क्यूब, फिर 3 कीजिएगा, a का मान स्क्वायर कर दीजिएगा और ये 5a, फिर प्लस 3a और 5a का स्क्वायर करके बना लीजिएगा, आपका बन जाएगा। ये कीजिएगा तो आपका 3 माइनस 5a का क्यूब और इसको आप 3 बार लिख दीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।